राजधानी सहित पूरे देश में गुरुवार से 9 दिनी शारदीय नवरात्रि उत्सव शुरू हो गया है। इसके साथ ही शहर में 9 दिनी दुर्गा उत्सव की धूम भी शुरू हो गई है। राजधानी में लगभग 1500 से अधिक समितियों ने पंडाल लगाकर मां दुर्गा की झांकी का विराजमान किया है। वहीं शिवनगर कॉलोनी पीपल चौराह करोन में श्री नवरात्रि दुर्गा उत्सव समिति द्वारा मां जगदम्बा का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ढोल ताशे डमरू वादक और लाइटिंग डीजे आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं नरेला विधानसभा के विधायक व मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग मां जगदम्बा के भव्य स्वागत में शामिल होकर पूजा अर्चना कर आरती उतारी और माता का आशीर्वाद लिया। वरिष्ठ नेता शहीद भगत सिंह, मंडल अध्यक्ष बबलेश सिंह राजपूत, संरक्षक विशाल साहू, समिति अध्यक्ष दीपक साहू, उपाध्यक्ष विनय साहू, मोनू कुशवा, कोषाध्यक्ष शिवम साहू, सचिव सुधांशु गुप्ता समिति के सदस्य द्वारा यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। श्री नवरात्रि दुर्गा उत्सव समिति द्वारा आज पार्वती महारानी को लाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग जी ने स्वागत आरती आज महारानी की कही और हमारे युवा साथी ने बहुत ही भव्य प्रतिमा यहाँ पर लाए, जिसमें कई आकर्षण के केंद्र हमारे ढोल ताशे मजीरे आलू कई प्रकार के इसमें आयोजन रखे गए हैं और भव्य यहाँ युवा साथियों ने उनका आगमन किया है। मैं सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 3 वर्षों से 21 वर्षों से ये निरंतर समिति हमारी श्री नवरात्रि दुर्गा उत्सव समिति बिठा रही है और हर साल कुछ ना कुछ नया आयोजन ये लोग युवा साथी हमारे करते हैं। विशाल साहू जी, दीपक साहू जी और इनकी पूरी टीम लगातार यहाँ पर कुछ ना कुछ हर साल नया करने का प्रयास करते हैं और बहुत ही अच्छी चुनरी यात्रा भी ये इसके बाद निकालते हैं और नए नए आयोजन करते हैं। सभी को शुभकामनाएं नवरात्रि।